इसका अगर अमाइनो एसिड काउंट देखे तो वो है 10, यानी 10 अमाइनो एसिड स्ट्रक्चर आपके स्क्रीन पे आ गया होगा। अब ये कॉन्स्टेंट रहेगा स्ट्रक्चर, 10 अमाइनो एसिड है, ठीक है, इसलिए हम इसे कहेंगे डेका पेप्टाइड, डेका। ओके, नाउ इट इज गेटिंग कन्वर्टेड इन टू एंजियोटेंसिन 2। ये कन्वर्जन के वक्त होता क्या है, टू अमाइनो एसिड आर गेटिंग रिमूव्ड, 10 में से 2 गए, बचे कितने 8, 10 वजा 2 उरले किती 8, सो 8 अमाइनो एसिड रहते हैं, सो इट इज अ ऑक्टा पेप्टाइड। ये इनएक्टिव है, इसकी कोई एक्टिविटी नहीं मिलेगी, ये एक्टिव है, ये इसके एक्टिविटीज है। अभी मैंने क्या बोला था, दो अमाइनो एसिड रिमूव हो रहे हैं, मीन्स हिस्टिडीन एंड ल्यूसीन फ्रॉम दिस स्ट्रक्चर आर गेटिंग रिमूव्ड टू गिव द एंजियोटेंसिन 2। नोटबुक पे एंजियोटेंसिन 1 के 10 अमाइनो एसिड सीक्वेंस से लिखो, दो अमाइनो एसिड इरेज कर लो, जो स्ट्रक्चर मिलेगा वो रहेगा एंजियोटेंसिन 2 का। नाउ इसके बारे में बताया स्ट्रक्चरल फीचर, इसके बारे में स्ट्रक्चरल फीचर भी बताया और स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा है। नाउ अपना कैप्टन, ठीक है, कैप्टन के बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन आपको प्रेजेंट कर देते हैं। एंजियोटेंसिन 2 ऑक्टापेप्टाइड मीन्स 8 अमाइनो एसिड, ठीक है। इसके रोल क्या है एंजियोटेंसिन 2 के बॉडी में, हम पूरा डिटेल में सेकंड पार्ट में देखने वाले हैं, बट छोटा सा एक प्रेजेंटेशन दे देते हैं। वैसो कंस्ट्रिक्शन करता है, ब्लड वेसल्स का कंस्ट्रिक्शन। नाउ उसके बाद में सोडियम वाटर रिटेंशन करेगा, अब ब्लड में सोडियम वाटर बढ़ रहा है तो ब्लड वॉल्यूम बढ़ेगा, ठीक है। एंड देन इट कॉजेज द अल्डोस्टिरोन सिक्रीशन, अल्डोस्टिरोन एड्रीनल कॉर्टेक्स से सिक्रेट होता है। अभी ये दोनों चीजें फिर मतलब और ब्लड वॉल्यूम बढ़ाएंगे और वैसो कंस्ट्रिक्शन भी साथ में हो रहा है, तो एट द एंड एंजियोटेंसिन 2 विल कॉज इंक्रीज इन द ब्लड प्रेशर, और इसीलिए बिकॉज ऑफ दिस दिस पार्ट इट इज नोन एज द एंजियोटेंसिन। एंजियो मीन्स ब्लड वेसल से रिलेटेड, टेंसिन मीन्स टेंशन जनरेट करना, टेंशन इन द सेंस प्रेशर, ब्लड प्रेशर। सो इन दिस वे वी हैव कवर्ड द बेसिक्स ऑफ रेनिन अल्डोस्टिरोन एंजियोटेंसिन सिस्टम, और बाकी का हम सेकंड पार्ट में स्टडी करेंगे।